नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित। अहमदाबाद टेस्ट मैच में इंग्लैंड हारी क्या, उसके बाद से उनके खिलाड़ी जो हैं बौखलाने लग गए हैं। कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा था कि अहमदाबाद की विकेट जो है काफ़ी ड्राई थी और स्पिनिंग विकेट थी, जिसके कारण दो दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ। वहीं पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन भी अब जो है ICC को भड़काने लगे हैं। जी हाँ, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर मैसेज किया है और भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं। ये उन्होंने मैसेज करके कहा है ICC को कि ICC को भारत और उन देशों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के विकेट बनाते हैं, जिस पे दो दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, और आगे भविष्य में ऐसी विकेट जो है टेस्ट मैच के लिए ना बनाई जाए। आपको बता दें कि इंग्लैंड टीम जो थी पिंक बॉल टेस्ट मैच की पहली पारी में 112 रनों पर ढेर हुई, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 81 रन बना सकी। इससे पहले जब दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में हुआ था, तब भी इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने पिच को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पिच जो है वो भारत के फेवर में थी, स्पिनर्स ज़्यादा इस पर इफेक्टिव थे, लेकिन इसके कारण ही जो है इंग्लैंड टीम को हार का सामना करना पड़ा। और अब जब अहमदाबाद का टेस्ट मैच दूसरे दिन ही खत्म हुआ है, तो भी उनके कप्तान जो रूट और पूर्व कप्तान माइकल वॉन पिच को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जेफरी बॉयकॉट, जो पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ किया है कि स्पिनिंग ट्रैक को जब वो पहले ही देख चुके थे, तो उस पर 3 तेज गेंदबाज क्यों खिलाए हैं, वो 2 स्पिनर्स खिला सकते थे या 3 स्पिनर्स खिला सकते थे। अगर हमने देखे तो जो रूट ने भी 5 विकेट लिए जब उन्होंने बॉलिंग कराने शुरू की। तो जेफरी बॉयकॉट का भी कहना है कि विकेट पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड का था वो काफ़ी गलत था। अगर वो 2 गेंदबाज खिला लेते स्पिन में, तो शायद टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकते थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 22 मुकाबले ऐसे हैं जो 2 दिन में ही ख़त्म हुए हैं, जिसमें भारत 2018 में अफगानिस्तान को 2 दिन में हरा चुके, और अब अहमदाबाद में जब इंग्लैंड को रहा है, तो वो भी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि ICC जो है BCCI पे क्या फैसला सुनाती है, क्या कोई एक्शन लेती है, क्या माइकल वॉन की जो एक भड़काऊ भाषण है उस पे कोई असर पड़ता है ICC को, या फिर ICC जिस तरह से BCCI का काम कर रही है उसी रवैये से वो आगे भी काम करना जारी रखेगी। हालांकि चौथा टेस्ट मैच भी अहमदाबाद में होने वाला है, उसमें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि विकेट जो है वो स्पिनिंग ट्रैक होता है या फिर पेस गेंदबाजों को, यानी कि तेज गेंदबाजों को उस पर फ़ायदा मिलता है। आपको बता दें कि 4 तारीख से अहमदाबाद में सीरीज़ का चौथा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। तमाम खेल की खबरों के लिए आप एन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।